Aditya Birla Sun Life Multicap Fund, Power of Three. आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की एक योजना। असली बदलाव तब होता है जब हम उन बंदिशों को तोड़ डालते हैं जो हमने खुद पर लगाई होती हैं, और जब हम अपने नजरिए को बड़ा बनाते हैं। बड़ी सोच बड़े सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम होती है, और ये न केवल हमारे पेशेवर जीवन में बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी मदद करता है, जिससे हम अधिक अवसर और सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ ऐसा फंड है जो आपको अपने जीवन में बड़ा सोचने और बड़ा लक्ष्य बनाने में मदद कर सकता है। पेश है आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टीकैप फंड। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम। ये फंड आपको लार्ज कैप्स की स्थिरता और मिड कैप और स्मॉल कैप्स की उच्च विकास क्षमता एक ही पोर्टफोलियो में प्रदान करता है। इस तरह से ये फंड आपकी न केवल ब्लू चिप कंपनियों के विकास में भागीदारी करवाता है, बल्कि आपको उन अवसरों से भी लाभ दिलाता है जो लार्ज कैप सेगमेंट में उपलब्ध नहीं होते। ये स्कीम लार्ज कैप में 25-50% और मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में न्यूनतम 25% निवेश करेगी। इस अनुशासित एलोकेशन अप्रोच और सक्रिय रीबैलेंसिंग से आप बाजार में तेजी से बढ़ते क्षेत्रों और कंपनियों में निवेश करने का कोई भी अवसर नहीं खोएंगे। ये स्कीम स्टॉक सिलेक्शन का बॉटम अप तरीका अपनाएगी और उच्च विश्वास वाले अच्छे स्टॉक्स को चुनके पोर्टफोलियो निर्माण करने के लिए अलग अलग स्टॉक विशिष्ट मापदंडों का मूल्यांकन करेगी। इस मूल्यांकन प्रक्रिया से उच्च गुणवत्ता वाला पोर्टफोलियो प्राप्त होगा, जिसमें लंबे समय तक विकास क्षमता रखने वाली कंपनियां हैं। इस फंड का लक्ष्य मौजूदा निवेश चक्र में उपलब्ध अप्रयुक्त अवसरों का लाभ उठाना है। प्राइवेट बैंकिंग, स्पेशलिटी केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड व्यवसायों में बदलाव। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में बड़ी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टी कैप फंड आप ही के लिए है। अधिक जानकारी के लिए 1-800-270-7000 पर कॉल करें या aditya-birla-sunlife-mf.com पर विजिट करें या अपने वित्तीय सलाहकार या डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की योजना। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।